ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने भारतीय वायुसेना के लिए एक क्रांतिकारी प्रस्ताव रखा है। HAL न केवल पुराने सुखोई 30 MKI विमानों की भरपाई करेगा बल्कि 72 अतिरिक्त सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों का निर्माण करने की पेशकश की है। ये विमान पूरी तरह से मेड इन इंडिया तकनीक से लैस होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, रडार सिस्टम और मिसाइल पैकेज शामिल है। पहले जब भारत ने रूस से सुखोई 30 MKI खरीदे थे तो वो पूरी तरीके से रूसी तकनीक पर निर्भर थे। अब HAL ने जो प्रस्ताव दिया है उसमें ये लड़ाकू विमान भारतीय तकनीकों से सुसज्जित होंगे। इससे न केवल इन विमानों की लागत कम होगी बल्कि ये भारतीय रक्षा उत्पादन के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी होगी। 72 नए सुखोई विमानों का निर्माण भारतीय वायुसेना की घटते स्क्वाड्रन को मजबूती देगा। इसके साथ ही नए सुखोई 30 MKI विमानों की क्षमताएं राफेल और सुखोई 35 जैसे अत्याधुनिक विमानों के बराबर हो जाएंगी। भारतीय वायुसेना को पहले से ही 272 सुखोई विमानों का बेड़ा प्राप्त है और 72 नए विमानों के जुड़ने से ये संख्या 344 तक पहुंच जाएगी। भारत का ये फैसला रूस के लिए अप्रत्याशित है। रूस के पास तकनीकी विशेषज्ञता है लेकिन भारत का आत्मनिर्भर बनने का प्रयास रूस की पारंपरिक भूमिका को चुनौती देता है। HAL का ये कदम ये दिखाता है कि भारत केवल एक उपभोक्ता देश नहीं बल्कि एक प्रमुख रक्षा उत्पादक के रूप में उभर रहा है। अब रूस के लिए ये संकेत है कि भारत अब अपने रक्षा संबंधों में संतुलन बना रहा है। रूस के साथ दशकों पुराना रक्षा सहयोग कायम रहेगा लेकिन भारत अपने खुद के विमान और तकनीक विकसित करने में भी अग्रसर है। अब सवाल ये है कि दुनिया क्यों चौंकी। दरअसल भारत का ये फैसला न केवल रूस के लिए बल्कि दुनिया के अन्य देशों के लिए भी एक संदेश है। दुनिया के अधिकांश देश अब तक भारतीय वायुसेना को विदेशी विमानों पर निर्भर मानते थे लेकिन ये फैसला उन सभी धारणाओं को बदल देगा। मेड इन इंडिया सुखोई विमानों की लागत रूस से खरीदे गए विमानों की तुलना में काफी कम होगी। ये भारत के लिए आर्थिक और सामरिक दोनों दृष्टि से लाभदायक साबित होगा। भारत के इस कदम से स्पष्ट हो गया है कि वो केवल रक्षा तकनीक का उपयोग नहीं करेगा बल्कि उसे निर्यात भी कर सकता है। ये कदम भारत को वैश्विक रक्षा उत्पादकों की सूची में मजबूत स्थान दिलाएगा। आने वाले वक्त में सुखोई 30 MKI और भारत के स्वदेशी तेजस MK2 फाइटर जेट एक साथ वायुसेना का हिस्सा बनेंगे। इससे भारतीय वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। भारत की MRF यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट और एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी MCA परियोजनाएं अभी पूरी नहीं हुई है लेकिन HAL के इस फैसले के बाद भारतीय वायुसेना को इन परियोजनाओं में देरी की चिंता नहीं करनी होगी। खैर भारत का ये फैसला रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। HAL का 72 नए सुखोई विमानों का प्रस्ताव न केवल भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाएगा बल्कि भारत को एक प्रमुख रक्षा उत्पादक के रूप में भी स्थापित करेगा। ये फैसला रूस के लिए एक संदेश है और दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि भारत अब अपने दम पर रक्षा क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।